जो जबकि वारंट अरेस्ट जो थे वो 28 मई के थे। तो आपको क्या लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो है जून 17 तक उनको मिल गए हैं 2 हफ्ते, और अब जो ये जून दोबारा जो तलब किया गया है, दोबारा जो समन भेजा गया है, उसके हवाले से क्या फरमाइएगा? देखें नीलम, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब और बाकी अपोजिशन को जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है। आज बहुत ही खूबसूरत बात कही है खाकान अब्बासी साहब ने अपने इंटरव्यू में। उन्होंने कहा है कि पहले हमें आशियाना और 52 कंपनीज वाला जो केस है और साफ पानी वाला केस, उसका फेट बताएं कि उनके रेफरेंसेस कहाँ तक वो आपने भेज दिए हैं और वो क्या किया है। क्योंकि देखिए ना, इट्स नॉट द मैटर ऑफ समनिंग समबॉडी, इट्स द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस देन प्रिपेयरिंग द जो है वो रेफरेंसेस। अब ये देखें कि रेफरेंसेस तैयार नहीं होते और एक एक साल, जैसे हमजा शहबाज शरीफ साहब को तकरीबन 1 साल हो गया है उन्हें रखा हुआ है जेरे हिरासत, और अगर आप पूरी तहकीकाती वो जो है टाइम देखें तो वो मेरा ख्याल है चंद घंटे बनता है। तो मकसद तो सिर्फ ये है कि ये तवज्जो हटाने के लिए लोगों की कोरोना की वजह से, कि जहाँ पर जो इनकी नाअहली साबित हो रही है और वहाँ पर कोई भी ये हफाजती जो तदाबीर के हवाले से कोई भी लायबल कोई स्ट्रेटजी आज तक पेश नहीं कर सके, ना प्रोविंशियल असेंबली में ना नेशनल असेंबली में, और लोगों को आपने ऑन देयर ओन छोड़ दिया है और ये कह दिया है कि वो जो है आप अपना ख्याल खुद करें। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह एक्सपोनेंशियली राइज हो रहा है रेट ऑफ डेथ्स एंड रेट ऑफ इन्फेक्शन और अमंगस्ट द हेल्थ वर्कर्स, दैट इज अलार्मिंग। हम कहाँ पहुँच गए हैं आज? और शहबाज शरीफ साहब का जो है वो आज, जैसे शिबली फराज साहब की मैं हैरान हूँ बात पे, कि एक आदमी जो है उसको मजबूर किया जाता है, वो बता रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से आप मुझे स्काइप पे ले लें, आप मुझे जो है वो रिटर्न सारे क्वेश्चंस भेज दें, मैं उनका जवाब आपको देने को तैयार हूं, मैंने पहले भी कभी इनकार नहीं किया, और फिर आप मुझे एक बूढ़े आदमी को, 69 ईयर्स ओल्ड हाई रिस्क पेशेंट को आप बुला रहे हैं।